नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICAR हो, BHU, FO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी से रहेगी। 100 प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं TA और कैन सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। तो तैयार हो जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सस्य विज्ञान जिसको एग्रोनॉमी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? जेथ्रो टोल, आर्नोन, पीटर ड्रेकेसेंजी या लिविंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, पीटर ड्रेकेसेंजी, ये हैं सस्य विज्ञान के जनक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो, शब्द जिसका कौन सा शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है एग्रोनॉमी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ग्रीक, ठीक है। लॉजी शब्द आया है तो ग्रीक हो जाएगा, अगर कल्चर शब्द आते हैं किसी वर्ड के पीछे तो वो हो जाते हैं लैटिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन, अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1969, 1972 या 1975? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1972, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार, निम्न में से कौन सी फसलों में कार्बनिक खेती अधिक लाभप्रद है? धान्य वाली फसलें, दलहनी फसलें, गन्ना या उच्च कीमत वाली फसलें? तो यहाँ पर बताना है कौन सी फसलों में कार्बनिक खेती के लिए अधिक लाभप्रद होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दलहनी खेती के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी संतुप्ति नहीं की जाती है? इसमें से बताना है कार्बनिक खेती में कौन सी संतुप्ति नहीं की जाती है, इसमें से सीवेज, स्लज का उपयोग, अरासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग या खलियों का उपयोग? तो आप लोग जानते हैं, आप कार्बनिक खेती पूछा है, तो कार्बनिक खेती में खलियों का प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है, अरासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सीवेज और स्लज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छः नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है? 5.5 मिलियन हेक्टेयर, 3.5 मिलियन हेक्टेयर या 2.5 मिलियन हेक्टेयर या 1.5 मिलियन हेक्टेयर? तो छः का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3.5 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सात, चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजातियों को उगाने की विधि किस नाम से जानी जाती है? कृषि चारागाह पद्धति, वन चारागाह पद्धति या कृषि बागवानी पद्धति या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन चारागाह पद्धति, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे आठ पर, आठ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलियन वीड कौन सा है? इसमें से बताना है एलियन वीड कौन सा है, चीनोपोडियम एल्बम, इसको बथुआ कहते हैं, पार्थेनियम, हिस्टोरोफोरस या एक्लिप्टा एल्बा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसी को एलियन वीड कहा जाता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नौ, निम्न ICAR संस्थाओं में से त्रिवेंद्रम में है, इसमें से बताना कौन सी एक ICAR की संस्था है जो त्रिवेंद्रम में स्थित है, CPRI, CTRI या CPCRI या CT या CTCRI, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, CTCRI, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था CTCRI, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, त्रिवेंद्रम, केरला में, ठीक है। और बाकी अगर पूछे कसारगोड केरला में पूछे, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CPCRI के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे सेंट्रल टेबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CTRI के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है, राजमुंद्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अगर पूछे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CPRI कहा जाता है, कुफरी शिमला के अंदर स्थित है, ठीक है। ये सब रिसर्च स्टेशन जो है आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से किस फसल में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, धान, गेहूँ, मक्का या बाजरा, तो किस में नहीं हो रहा, तो गेहूँ में नहीं हो रहा, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी धान के अंदर भी किया जा रहा है, संकर ओज का उपयोग बाजरा, मक्का इन सब में किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। भारत या राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य प्रजाति कौन सी है, ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस, ब्रेसिका जूंसिया, ब्रेसिका ऑलरेसिया या ब्रेसिका नाइग्रा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेसिका जूंसिया, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चाहे भारत की पूछ ले चाहे राजस्थान की पूछ ले, दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेसिका जूंसिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली जातियों की संख्या है, ठीक है, गन्ने की कितनी जातियाँ उगाई जा सकती हैं, 2, 3, 4 या 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की उगाई जाने वाली मुख्य जातियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, सिकेरम ऑप्सिनेरम, सिकेरम बारबरी, सिकेरम साइनेंसिस, ठीक है, ये तीनों आप नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है, 10 से 12 किलोग्राम, 8 से 10, 1 से 2 या 4 से 5, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरसों की बीज दर लगेगी एक हेक्टेयर में 4 से 5 किलोग्राम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च और हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रणाली कहलाती है, ठीक है, अगर एक ही खेत हो उसके अंदर नारियल, काली मिर्च, हल्दी, अगर इन फसलों को भी हम साथ में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, रिले क्रॉपिंग, मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग या इनलर क्रॉपिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में लिखा हुआ है, एक ही खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई पर फसलें उगाना बहुमंजिली या मल्टी स्ट्राइड फसल पद्धति कहलाता है, यह सामान्यतः कहाँ पर किया जाता उगाया जाता है, इस प्रकार से केरल में, ठीक है, केरल राज्य में अपनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसान के किसी भी काम का नहीं है क्या कहलाता है, फसल सहचर खरपतवार, अनिष्टकारी खरपतवार या अनाग्राही खरपतवार या परजीवी खरपतवार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, परजीवी खरपतवार कहलाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में लिखा हुआ है परजीवी खरपतवार कौन कौन से होते हैं, अमरबेल, रुखड़ी, ओरोबेंकी और लोरेंथस, ठीक है, ये सब होते हैं परजीवी खरपतवार, याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है, सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, ऑर्गेनिक है या सिस्टमेटिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी होता है पैराक्वाट, ये याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं चाहे पैराक्वाट पूछे चाहे डाइक्वाट पूछे, दोनों ही क्या है, नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी है, ठीक है। इन ये होता क्या है, इनको आकृषित क्षेत्रों में या फसल उगाने से पूर्व प्रयोग करते हैं तथा इनसे पौधों के संपर्क में आने वाले भाग ही नष्ट होता है, इसलिए संपर्क शाकनाशी कहलाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुण पाई जाती हैं, चिनोपोडियम एल्बम, सोरगम हेलेपेंस या ट्रेफोसिया पुरपुरिया या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रेफोसिया पुरपुरिया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा कौन सी क्रांतिक अवस्था रहती है, यहाँ पर खरीफ दलहनी फसलों में पूछ रहा, ना कि रबी। बुआई से 15 से 30 दिन तक या 30 से 45 दिन तक या 45 से 60 दिन तक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 15 से 30 दिन तक, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर रबी का पूछे, रबी दलहनी फसलों के लिए अगर पूछे तो आप क्या कितने क्रांतिक अवस्था बताएंगे, 30 से लेके 45 दिन, ठीक है, रबी का पूछे तो 30 से 45 दिन, खरीफ का पूछे तो 15 से 30 दिन, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोथा
का वंशकाल चलता है बीज द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, बल्ब द्वारा या गांठे द्वारा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गांठों द्वारा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गांठे मोथे के तने का रूपांतरण है, इन्हीं को ट्यूबर्स के द्वारा ही मोथे का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दीर्घस्थायिकता वाला शाकनाशी है पैराक्वाट या पेंडामेथिलीन 2,4-D या ग्लाइफोसेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 2,4-D। ठीक है, 2,4-D शाकनाशी का अवशेष खेत में 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, जबकि ट्राइजींस का अगर पूछे तो इसका 1 से 2 वर्ष तक रहता है। ठीक है, इसका प्रभाव 1 से 2 वर्ष तक रहता है ट्राइजींस का, जबकि 2,4-D का 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, रूखड़ी जिसको स्ट्राइगा बोला जाता है, खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी खरपतवार है? बाजरा का, मक्का का, मोठ का या ग्वार का? तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाजरा का है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, मौसम के आधार पर खरपतवारों के वर्गीकरण में इन खरपतवारों को कहते हैं, ठीक है, मौसम के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकरण में इन खरपतवारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, एक दाल वाले खरपतवार, द्विदाल वाले खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार या ओब्लिगेट्स खरपतवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बहुवर्षीय खरपतवार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, एस्फोडेलस ट्यूनिफोलियस जिसको प्याजी के नाम से जाना जाता है, ये प्याजी का वैज्ञानिक नाम है, किस मौसम में उगाए जाने वाला खरपतवार है? रवि या खरीफ, जायद या गर्मियों में? तो एस्फोडेलस टेनुफोलियस प्याजी ये खरपतवार हो जाएगी किस सीजन की? रवि की। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, फ्लेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है, गेहूं का, धान का, चने का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, गेहूं का खरपतवार है फ्लेरिस माइनर। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन से अन्य नाम हैं? जैसे इसको, ये गेहूं का क्या होता है, नकलची खरपतवार होता है, एक तो ये याद रखना है। इसको गेहूसा के नाम से जानते हैं, गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पत्तियों का आकार है या इसका शरीर की संरचना है वो गेहूं के जो प्लांट होते हैं उनसे मिलता जुलता है। अगर इसका परीक्षण भार पूछ लें, फ्लेरिस माइनर का परीक्षण भार पूछे, तो 1000 दानों का भार होता है 2 ग्राम। ठीक है, 1000 दानों का वेट जो होता है 2 ग्राम होता है। गेहूं का अगर दानों का परीक्षण भार पूछे तो आपको याद रखना है 40 से लेके 42 ग्राम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आँख के बीजों का प्रकीर्णन किसमें होता है? पेपस में, पंख से या कोसोम से या बैलून से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कोसोम से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, चिनोपोडियम मुरेल किस ऋतु का खरपतवार है? खरीफ, ग्रीष्म, रवि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, रवि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरोलिन देने की विधि है प्री प्लांटिंग, प्लांटिंग या प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस या पोस्ट प्लांटिंग? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री प्लांटिंग। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खरपतवार नाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्नलिखित में से खरपतवार विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कौन से खतरनाक विकृति उत्पन्न हो जाती है ये आपको बताना है, इकोसिस्टम, वायुमंडल या समुद्र या भूमि पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि पर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरपतवार नाशी रसायन के लगातार अगर लंबे समय तक प्रयोग करने से क्या होता है, तो कौन सी खतरनाक विकृति उत्पन्न हो जाती है या कहां पर उत्पन्न होती है? तो भूमि पर उत्पन्न होगी, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, खरपतवार नाशी रसायन जो
खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं को क्या कहते हैं? नीमेटिसाइड्स, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेस्टिसाइड कहा जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड का शाब्दिक अर्थ होता है कि विष, विष मतलब जो जहर होता है जो कि पीड़क को मारने का काम करता हो। ठीक है, ऐसा विष जो पीड़क को मारने का काम करता हो उसे क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। इनमें जैसे कीटनाशी, शाकनाशी, फफूंदनाशी, चूहानाशी या सूत्रकृमिनाशी या बरूथीनाशी, ये सब रसायन जितने भी हैं ये सब पेस्टिसाइड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से धान का हुबहू खरपतवार कौन सा है? ठीक है, हरियाली घास, फ्लेरिस माइनर या सेनक्रम सिलियरिस या इकाइनो क्लोवा कोलोनम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो धान का हुबहू खरपतवार हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, इकाइनो क्लोवा कोलोनम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार कौन सा है? ठीक है, वीडिसाइड टूल्स बताना कौन सा है, फावड़ा, कल्टीवेटर, हैंड हो या ब्लड हैरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड हो। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? वीडिसाइड टूल्स है, यंत्र है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। निम्न खरपतवारों में जो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, साइप्रस रोडेंटस, ब्रेस्का साइनेंसिस या आर्जीमोन मैक्सिकाना या सोरगम हेल्पेंस, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोरगम हेल्पेंस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह ज्वार फसल का नकलची खरपतवार है। ठीक है, जिसको बरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बरू के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है? ठीक है, आपको बताना कौन सा ऐसा खरपतवार है जो मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है। लूकस आस्पेरा, मेलिलोटस इंडिका या हरियाली घास या लेंटाना कैमरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेलिलोटस इंडिका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार के लेग्यूमिनेसी कुल का खरपतवार है। ठीक है, पूछ सकता है, इसकी कुल फैमिली पूछ सकता है। तो मेलिलोटस इंडिका जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न खरपतवारों में से कौन सा सोलेनेसी कुल से संबंधित है? सिलोसिया, अर्जेंटिया या सोलेनम, जेंथोकार्पम, सेकेरम पुंजा या लॉरियम रेडियम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोलेनम जेंथोकार्पम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? हरियाणा में, पश्चिम बंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, उत्पादकता पूछ रहा है, इसलिए पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अपरंपरागत क्षेत्र माने गए हैं चावल उगाने के। ठीक है, डी ऑप्शन याद रखेंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टीवेंस स्क्रीन किससे संबंधित हैं? एग्रो मेटेरियोलॉजी, जीव प्रौद्योगिकी या जीवाणु विज्ञान या रिमोट सेंसिंग से। तो इनका जो संबंध है वो हो जाएगा एग्रो मेटेरियोलॉजी से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बादलों के आवरण को मापने की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, बादलों के आवरण को मापने की इकाई आपको बताना है क्या है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, प्रतिशत, ऑक्टा या किलोमीटर प्रति घंटा या मिमी प्रतिदिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्टा कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल से नहीं है? यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी पोएसी कुल से संबंधित नहीं है, नेपियर, गन्ना, पैराघास या अलसी।
यहाँ पर देखेंगे नेपियर और गन्ना और पैरा घास, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अलसी जो है ये पोएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। अलसी कौन, अलसी की फैमिली कौन सी हो जाएगी, तो अलसी एक तिलहनी पौधा है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है लाइनेसी है, ठीक है, लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है, आपको बताना है द्विवर्षीय फसल का उदाहरण कौन सा है, तंबाकू, चुकंदर, मक्का या रिजका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, चुकंदर। चुकंदर जो है द्विवर्षीय फसल का उदाहरण माना गया है, याद रखेंगे, ठीक है। द्विवर्षीय फसल के अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, और यहाँ पर देखेंगे पालक, प्याज, गोभी, ठीक है, ये सब कितने हैं द्विवर्षीय के, जबकि रिजका एक वर्षीय और बहुवर्षीय में तीन तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। बहुवर्षीय में जैसे आपके हो जाएंगे परवल, परवल जो है बहुवर्षीय हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है। लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह के मान का होता है 1/4, 1/3, आधा या बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आधा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, एनीमोमीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, वायु की गति, वायु की दिशा, सौर विकिरण या वायुमंडल का दाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु की गति, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर के कितना किलोग्राम बीज को बीजोपचारित किया जा सकता है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 या 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं एक अगर पैकेट है किसका, राइजोबियम कल्चर का, ठीक है, याद करेंगे। एक हेक्टेयर दलहनी फसल के लिए 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, अगर एक हेक्टेयर में प्रयोग करना है दलहनी फसलों के लिए तो 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान बताना है। धान की खेती के लिए जो उपयुक्त मृदा का, सॉयल का पीएच जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 4 से 6 के लगभग रखा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संभावी वाष्पोत्सर्जन जिसको PET कहा जाता है के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था, थॉर्थवेट, बलेनिक रीडस, पेनमैन या ड्रासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्थवेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, संकर कपास हाइब्रिड कॉटन का जनक कौन है, SH सल, GH हल, CT पटेल या BP पॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, CT पटेल, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने भारत में GAU गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में 1970 में कपास की प्रथम संकर किस्म जिसका नाम था H4 विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47, 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वारालक्ष्मी किस फसल की एक जैसा संकर है, ठीक है, आपको बताना है वारालक्ष्मी किस फसल का एक जैसा संकर है, कपास, टमाटर, आलू या गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, अधोभूमि अंकुरण होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में होता है, ऑप्शन देखते हैं, हाइपोजियल पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, अरहर, चना, मसूर, राजमा, मूंग, उड़द, चना या मूंग, उड़द, चना या अरहर, राजमा, मसूर, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, अरहर, चना, मसूर, ठीक है, ये तीनों ही तीनों उदाहरण किसके हैं, हाइपोजीएल के हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ दलहनी फसलों में EPGL अंकुरण होता है, ठीक है, जितनी भी खरीफ वाली दलहनी फसलें होती हैं उनमें EPGL होता है ना कि हाइपोजीएल, लेकिन एक इसका अपवाद है अरहर, इसलिए इसमें सम्मिलित किया गया है, हाइपोजीएल में इसको डाल दिया गया है। जबकि रबी वाली जितनी दलहनी फसलें होती हैं वो सब क्या क्या होती हैं, हाइपोजियल होती हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है
वो है राजमा, ठीक है, राजमा को छोड़कर बाकी सब जितनी रबी वाली दलहनी फसलें होती हैं सब हाइपोजीएल होती हैं, और खरीफ वाली जितनी भी फसलें होती हैं सब ईपीजीएल होती हैं, लेकिन अरहर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि काम में ली जाती है, चना में, आम में, गन्ना में या कपास में? तो टाइफून विधि का प्रयोग हम गन्ना के अंदर करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा या सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा का अनुपात को क्या कहते हैं? जल अनुप्रयोग दक्षता, जल वितरण दक्षता, जल संग्रहण दक्षता या जल संचरण दक्षता? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संग्रहण दक्षता, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA कैन सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ में सिंचाई निर्धारण किया जाता है उपलब्ध जल का 25% ह्रास होने पर, उपलब्ध जल का 50% ह्रास होने पर, या उपलब्ध जल का 75% ह्रास होने पर, या उपलब्ध जल का 90% ह्रास होने पर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपलब्ध जल का 25% ह्रास होने पर गेहूं में सिंचाई का निर्धारण कर दिया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत है कपास, मक्का, बाजरा या ज्वार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। धान में औसत हलिंग प्रतिशत होता है, हलिंग प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें, राइस के अंदर बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, 80%, 65%, 30% या 40%? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 65%। यहाँ देख सकते हैं धान यानी कि पेड़ी में दाना व छिलका अनुपात धान का 2/3 यानी कि 65.66% होता है, 2/3 होता है, 2/3, ठीक है, हलिंग यानी कि क्या होता है, दाना और छिलका का अनुपात ही क्या कहलाता है, हलिंग कहलाता है, हलिंग परसेंटेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सोयाबीन है तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, तिलहनी और दलहनी दोनों फसल हैं या खाद्यान्न वाली फसल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिलहनी और दलहनी दोनों फसल हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सोयाबीन मूल रूप से दलहनी फसल है, लेकिन भारत में इसको तिलहन के रूप में उगाया जाता है, ठीक है, भारत में इसको तिलहन के रूप में उगाया जाता है, बाकी सोयाबीन जो है एक प्रकार की दलहनी फसल है, इसलिए तिलहनी दलहनी दोनों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से विशेषकर राजस्थान में कौन सा मिश्रित फसल का उदाहरण है, ठीक है, आपको बताना है, चना प्लस सरसों, सरसों प्लस गेहूँ, मूंगफली प्लस तिल, सरसों प्लस जौ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मूंगफली प्लस तिल, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नोट में, जबकि चना और सरसों अंतरा फसल है जिसको इंट्रा क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, इंट्रा क्रॉपिंग का उदाहरण पूछे तो चना सरसों ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। नीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है, नीम का उत्पत्ति स्थान बताना है, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य यूरोप या उष्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया या चीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उष्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मूंगफली जिसको पोट्स कहा जाता है में दानों का प्रतिशत अनुपात कितना होता है, 35%, 50%, 70% या 40%? तो मूंगफली के फली जो होती हैं उसमें दाने का परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दानों का परसेंटेज कितना होता है, 70%। अगर ये छिलके का परसेंटेज पूछे तो वो हो जाएगा 30%, ठीक है, अगर सीलिंग परसेंटेज पूछे तो वो हो जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 58। मूंगफली की आर्द्रविस्तारी किस्म कौन सी है, आर्द्रविस्तारी किस्म पूछ रहा है, वैरायटी RS1, RSB87, AK12, 24 या M13? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, RSB87, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59।
जिया मेज एल वनस्पति का नाम किसका है? ज्वार का, ग्वार का, बाजरा का, मक्का का। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज एल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम में ली जाती है। तो अरहर की पूछ रहा है, अगर सिंगल फसल लेना है, एकल फसल लेना है, तो उसमें 1 हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी लगेगी? 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 से 15 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली व शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है? चौला है, मूंग है, मोठ है या उड़द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉलर रोट व्याधि किस फसल से संबंधित है? मूंग, तिल, सोयाबीन या मूंगफली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूंगफली से संबंधित है कॉलर रोट। ठीक है, यह व्याधि अंकुरण के बाद यानी कि एस्परजिलस नाइगर नामक फफूंद के कारण लगता है, जो काली जड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज या ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। अगर खड़ी फसल में लग गया है तो क्या करेंगे? 0.3% कार्बेंडाजिम सॉयल ड्रेंचिंग के माध्यम से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। जड़िया एक उन्नत किस्म है, आपको बताना है जड़िया किसकी एक उन्नत किस्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरहर, मूंग, मोट या चौला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोट। ठीक है, डी और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाजरे में स्ट्राइगा की रोकथाम के लिए किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है? पेंडीमिथालिन, बावस्टीन या मेटाक्लोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंडीमिथालिन का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर, ठीक है, मूंग की बीज दर बताना है 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। मक्का का उद्गम स्थान, ठीक है, बताना है मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? माना गया अफ्रीका, अमेरिका, चीन या भारत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कहाँ माना गया है? अमेरिका माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन में मध्य अमेरिका भी दे सकता है, मैक्सिको भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का के पौधे में क्या पाया जाता है? या पहले सिल्क निकलता है, पहले नर मंजर निकलता है, या दोनों एक समय ही निकलते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बार यह पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नर मंजर निकलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। गेहूँ जिसको दीप्ति काल के अनुसार बताना है, अल्प दिवस पौधा है, दीर्घ दिवस पौधा है या डे न्यूट्रल प्लांट है या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ का जो पौधा होता है ये होता है दीर्घ दिवस पौधा यानी कि लॉन्ग डे प्लांट होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुख्यतः रबी वाली फसलें लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, जितनी भी रबी वाली क्राप होती हैं सब लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। इन्हें पुष्पन के लिए 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लॉन्ग डे में कौन कौन सी क्रापें आ जाएंगी? याद रखेंगे गेहूँ, जौ, जई, सरसों, चना, मसूर, ये सब आ जाएंगी LDP में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ओस बिंदु कहते हैं या पिघलन बिंदु कहते हैं, हिमीकरण बिंदु कहते हैं या समीक्षात्मक बिंदु कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या बढ़ती दर से बढ़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब भी क्या होता है? घटता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्ट्राइगा जिसको रुखड़ी कहा जाता है की जातियाँ आंशिक जड़ परजीवी हैं, पूर्णतः जड़ परजीवी हैं या पूर्णतः तना परजीवी हैं या आंशिक तना परपोषी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक जड़ परजीवी है,
ठीक है, आंशिक जड़ परपोषी है, ये परपोषी रहेगा याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे रुखड़ी, बाजरा, ज्वार आदि खरीफ धान्य फसलों का अल्प जड़ परजीवी खरपतवार है। ठीक है, रुखड़ी की जड़ों में क्या पाया जाता है, स्ट्रिगोल नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे स्ट्रिगोल नामक तत्व पाया जाता है, जो कि स्ट्रिगोल नामक तत्व पाया जाता है, ये भी एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चल खेती, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं इसको झूमिंग खेती भी कह सकते हैं, ठीक है, देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है, किन क्षेत्रों में है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है चल खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं देश के उत्तरी पूर्वी भाग में जैसे आसाम हो गया, मेघालय, झारखंड आदि राज्यों में जंगलों को नष्ट करके धान की खेती करते हैं, जो कि प्रत्येक 1 या 2 वर्ष बाद उर्वरकता शक्ति कम होने पर खेत बदल कर दूसरी जगह जंगल नष्ट करके धान की खेती करना क्या कहलाती है, चल खेती कहलाती है या झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। लाइसीमीटर किसे नापने के काम आता है, आपको बताना है लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, या प्रस्वेदन, या वर्षा। तो लाइसीमीटर से मापते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे, लाइसीमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूनतम तापमापी में भरा होता है, आपको बताना है न्यूनतम तापमापी में क्या भरा जाता है, मिनिमम थर्मोमीटर में क्या क्या भरा रहता है, पारा, एसिड, या अल्कोहल, या जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, अल्कोहल भरा रहता है। यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल अधिक ठंड में जमता नहीं है, इसलिए मिनिमम थर्मोमीटर में काम में लिया जाता है अल्कोहल को, जबकि मैक्सिमम पूछे मैक्सिमम थर्मोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं, पारा का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे पारा भरा रहता है उसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। हवा में निश्चित मात्रा की आर्द्रता होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, उच्च तापमान पर, निम्न तापमान पर, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, निम्न तापमान पर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग IMD कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, चेन्नई में, पुणे में, या मुंबई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। वायुमंडल में आयतन के आधार पर नत्रजन की मात्रा होती है, वायुमंडल में पूछ रहा है, ना कि मृदा में पूछ रहा है। तो वायुमंडल के अंदर जो नत्रजन की परसेंटेज होती है वो होती है 78.09%, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल में आयतन के आधार पर प्रमुख गैस नत्रजन कितना, 78.09%, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन 20.25%, तीसरे स्थान पर आर्गन 0.1%, और चौथे स्थान पर CO2 0.03%, ठीक है, ये चार गैसों के परसेंटेज आपको याद रखना है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय, जिसको PAR कहा जाता है, विकिरण की तरंग धैर्य सीमा कितनी रखी जाती है, MEM में बताना है, ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 से लेकर 700 NM, या 0.4 से लेकर 0.7 μ, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। भूमध्य रेखा पर स्रोत मंडल की ऊंचाई है 8 से 10 किलोमीटर, 17 से 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या 32 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 17 से 18 किलोमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें। निम्न में से कौन सी प्रजाति दल भूमि हेतु उपयुक्त है, सेलिक्स स्पीसीज, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सेलिक्स स्पीसीज जो है ये दलदल भूमि के लिए उपयुक्त प्रजाति है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81।
किसान को संकर किस्म के बीज को अवश्य ही बदल देना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड जितनी वेराइटियाँ अगर किसान कोई प्रयोग कर रहा है तो उसको कितने साल पर उसको बदल देना चाहिए, हर साल बदलना चाहिए, 2 साल में बदलना चाहिए, 4 से 5 साल बदलना चाहिए, या बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, हर साल बदल देना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है जीन कहलाता है, ग्लूटीन कहलाता है, धुरीन कहलाता है, या रिसिन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन कहलाता है, ए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6 पंक्ति वाले जौ का वनस्पति का नाम बताना है, हॉर्डियम वाल्गियर या हॉर्डियम इरेगुलर या हॉर्डियम डिस्टिकोन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हॉर्डियम वाल्गियर, 6 पंक्तियों वाला गेहूँ। अगर यहाँ पर 2 पंक्ति वाले गेहूँ का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है हॉर्डियम डिस्टिकोन, ठीक है, ये 2 पंक्ति वाले गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर कितनी है, 10 से 15 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर, 20 से 25 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर, या 25 से 30 हज़ार पर हेक्टेयर, या 40 से 50 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 से 50 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 भारत में तिलहनी फसलों पर तकनीक मिशन जिसको TMO कहा जाता है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1986, 1966, 1976 या 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 WHO FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की मात्रा कितना प्रयोग करने के लिए कहा गया है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, 64 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे, या 80 ग्राम पर डे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता पड़ती है एक मनुष्य को, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 87 भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत क्या है, ठीक है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15, या 4 से 6। तो भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत आपको बताना है कितना रखते हैं। तो 87 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 से 15%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 अलसी की फसल में इष्टतम पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है 65,000, 1,80,000, 2,70,000, या 3,33,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,33,000, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 कुसुम के तेल खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ के कारण होता है, ठीक है। कुसुम के तेल के अंदर खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करने की क्षमता किसकी उसके अंदर अधिकता होती है जिसके कारण ऐसा होता है, लिनोलिक एसिड के कारण, या ओलिक एसिड के कारण, या स्ट्राइक एसिड के कारण, या पामिटिक एसिड के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनोइक एसिड के कारण, ठीक है। कुसुम के जो तेल होता है उसके अंदर लिनोइक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, परसेंटेज अगर पूछे लिनोइक एसिड की तो 78.50% ये इसके अंदर पाया जाता है, जिसको साफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है कुसुम को, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है कुसुम का जो तेल होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसके अंदर पाया जाता है लिनोइक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में मक्का की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी निराई गुड़ाई यंत्र कौन सा है, हैंड हो, व्हील हो, कुदाली, या ब्लेड हो। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में मक्का की बुआई के लिए अत्यधिक उपयोगी निराई गुड़ाई यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा हैंड हो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। राजस्थान के लिए जौ की लवण रोधी किस्म कौन सी है, RDB1, RD31, या BL2, या राजकिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, BL2, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
लघु धान्य फसल जो सूखा प्रतिरोधी है, कोदो, रागी, ककून या सामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोदो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। अफीम में प्रमुखता एल्कोलाइड्स होता है, निकोटीन, मॉर्फिन, निमिडीन या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है अफीम के अंदर कौन सा एल्कोलाइड्स पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मॉर्फिन पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। आलू के बीज जिसको कंद कहा जाता है, प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर कितनी है? 1 से 8 क्विंटल, 8 से 15 क्विंटल, 15 से 22 क्विंटल या 22 से 30 क्विंटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 22 क्विंटल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निम्न की सहायता से स्थापित हुआ, आपको बताना है तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किसकी सहायता से स्थापित हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, UNO या रॉकफेलर फाउंडेशन या बैंक वर्ल्ड बैंक या FAO। तो यहाँ पे पूछा था तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको TDC के नाम से जाना जाता है, इसकी किसकी सहायता के द्वारा स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 96। एक्रीसेट की स्थापना इनकी अनुवांशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी, किनकी अनुवांशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी ये आपको बताना है। बाजरा, चारा, अरहर, मक्का, सरसों, गेहूं, कपास या सोयाबीन, चारा, कपास, चना या मक्का, चावल, गेहूं, आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बाजरा, चारा, अरहर, मक्का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्रीसेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, कहाँ पर? पठान चेरू हैदराबाद में स्थित है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, मक्का की सूखा रोधी किस्मों के विकास के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है जिसका प्रयोग सस्यावर्तन में किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन, मिट्टी के जल अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत गहरी होती हैं, यह क्षरण की रोकथाम करता है, मिट्टी के गंधक अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए या मिट्टी के नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मिट्टी के नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अल्फा अल्फा का। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 या 12 से 13। तो पूछ रहा गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 से 12, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। चूहे के दैनिक खाना खाने की क्षमता है, उसके शरीर का वजन का 35%, उसके शरीर का वजन का 30%, उसके शरीर का वजन का 10% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उसके शारीरिक वजन का 10%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100। 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रागी अच्छा स्रोत है लोह तत्व का, कैल्शियम का, प्रोटीन का या विटामिन्स का। तो रागी जो होता है अच्छा स्रोत माना जाता है लोह तत्व का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। मक्का का मुख्य प्रोटीन है, ठीक है, मक्का का मुख्य प्रोटीन बताना है इसमें से कौन सी होती है। तो मक्का की प्रोटीन मुख्य रूप से होती है जीन होती है, याद रखेंगे हमेशा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102। सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है गेहूं में, शक्कर में, अंडे में या हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो सर्वाधिक बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है, ठीक है, स्टेम का पूर्ण परजीवी इसमें से कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्टेम का पूर्ण परजीवी पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सल्फर किस अमीनो अम्ल का एक घटक है? आर्जिनिन, हिस्टिडीन या सिस्टिडीन या लाइसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105, वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है, ऑक्सीटॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या थायरोक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106, 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीजों को सुखाने के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाया जाता है बीजों को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, अनाज के आर्द्रता अंश को घटाकर भंडारण हेतु निम्नलिखित सुरक्षित स्तर तक लाया जाता है 10 से 12%, 12 से 14, 12 से 16 या 12 से 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10 से 12%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनाज के लिए पूछ रहा है तो अनाज के लिए 10 से 12 हमेशा आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, बरानी क्षेत्रों के लिए मक्का की किस्म कौन सी है, गंगा 2, माही धवन, नवजोत या गंगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माही धवन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर, 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमाव पूर्व या फसल उगने से पहले जिसको कह सकते हैं, कौन से खरपतवार नाशी रसायन का काम में लिया जाता है, ठीक है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल उगने से पहले कौन से खरपतवार नाशी का काम में लिया जाता है, 2,4-D, एल्ट्राजीन, फ्लूक्लोरोलिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्ट्राजीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फसल उगने से पहले इसका प्रयोग करते हैं मक्का में एल्ट्राजीन का, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, चिनोपोडियम एल्बम के बीज विभव हैं, आपको बताना है चिनोपोडियम एल्बम, ये बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है, इसमें एक पौधे से कितने बीज प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है, 72,000 बीज प्रति पौधा, 196,000 बीज प्रति पौधा या 56,000 बीज प्रति पौधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72,000 बीज प्रति पौधा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चौलाई जिसको अमरेंथस कहा जाता है, इसका बीज प्राप्त होते हैं 196,000 बीज प्रति पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है, चौलाई का 196,000 बीज प्रति पौधा प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सकेरम स्पेंटोनियम है एक क्या है, वार्षिक खरपतवार नाशी है, बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है, द्वितीय खरपतवार नाशी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवर्षीय खरपतवार नाशी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कास का वनस्पतिक नाम है ये, ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम है, सिकेरम स्पॉन्टेनियम कास का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। इसको टीगर ग्रेस ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो प्रवर्धन होता है ये राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी पूछा गया है बहुत बार कि कास का जो प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से पूर्ण परजीवी खरपतवार कौन सा है, फ्लेरिस माइनर, ओरोबैंकी स्पीसीज या ट्राई एंथोना स्पीसीज या आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओराबंकी स्पीसीज, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, कल फिर मुलाकात करते हैं, इससे आगे के प्रश्नों को लेके आएंगे एग्रोनॉमी के, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।